गुड मॉर्निंग क्लास। बीए पार्ट थर्ड, पेपर फर्स्ट, पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक, यूनिट सेकंड। चैप्टर हमारा चल रहा है मैकियावेली, और आज के लेक्चर का टॉपिक है मैकियावेली, अपने युग का शिशु या पुनर्जागरण का प्रतिनिधि, अथवा मैकियावेली पर उसके युग एवं स्थान का प्रभाव। साधारणतया सभी राजनीतिक विचारकों के चिंतन पर उनके युग की परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों का प्रभाव पड़ता है, परंतु मैकियावेली के चिंतन पर यह प्रभाव सर्वाधिक देखा जा सकता है। प्रोफेसर डनिंग का यह कथन अक्षरशः लागू होता है कि यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंसवासी वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु था। मैकियावेली के समय में पुनर्जागरण आंदोलन अपने उत्कर्ष पर था। पुनर्जागरण आंदोलन ने एक ऐसी बौद्धिक संस्कृति को जन्म दिया था जो देवीय कृपा के स्थान पर पुरुषार्थ के महत्व को स्वीकारती थी और मनुष्य को अपने भाग्य का निर्माता मानती थी। तत्कालीन समय में यूरोप के लिए यह एक क्रांतिकारी संदेश था और इसने संपूर्ण यूरोप के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, साहित्यिक व धार्मिक क्षेत्रों में परिवर्तन की एक विस्तृत श्रृंखला की शुरुआत की। राजनीतिक क्षेत्र में निरंकुश राजतंत्रों का उदय हुआ, शक्ति पर आधारित एवं विस्तारवादी राजनीति की शुरुआत हुई। मैकियावेली ने यह अनुभव किया कि राष्ट्रीय राज्यों और राष्ट्रीय एकता का विकास हो रहा है। मैकियावेली ने पुनर्जागरण आंदोलन और अपने युग की इन प्रवृत्तियों को अपनी रचनाओं में पूरी गंभीरता के साथ स्थान दिया है। उसकी रचनाएं प्रिंस डिस्कोर्सेस और युद्ध कला समकालीन परिस्थितियों के विश्लेषण से परिपूर्ण है। सेबाइन ने इस बारे में लिखा है कि उसके युग का कोई भी अन्य व्यक्ति यूरोप के राजनीतिक विकास की दिशा को इतनी स्पष्टता के साथ नहीं देख सका जितनी स्पष्टता के साथ इसे मैकियावेली ने देखा था। कोई भी अन्य इटली को उतने अच्छे रूप में नहीं जानता था जितना कि मैकियावेली। पुनर्जागरण युग की जिन बातों ने मैकियावेली पर सबसे गहरा प्रभाव डाला और उसके राजनीतिक दर्शन की रूपरेखा निर्धारित की और जिनके कारण उसे युग का शिशु कहा जाता है, वो इस प्रकार से है। फर्स्ट पॉइंट है शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना। 16वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक पश्चिमी यूरोप के अधिकांश राज्यों में निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना या तो हो चुकी थी या तीव्र गति से इनकी स्थापना हो रही थी। इंग्लैंड में हेनरी सप्तम, फ्रांस में लुई एकादश, चार्ल्स अष्टम व लुई द्वादश ने और स्पेन में फर्डिनेंड ने निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना कर ली थी। ये राज्य सबल शासकों के नेतृत्व में दिन प्रतिदिन शक्तिशाली और समृद्धिशाली हो रहे थे। वास्तव में यह युग सबल राजतंत्र का युग था। मैकियावेली की रचनाओं में इस आदर्श का पर्याप्त प्रमाण मिलता है। एक सच्चे देशभक्ति की तरह मैकियावेली ने भी इटली के लिए एक ऐसे ही शासन की कल्पना की थी जिसमें इटली की समस्त राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण हो और जो इटली में एकता स्थापित कर सबल राजतंत्र की स्थापना कर सके। मैकियावेली ने अपने ग्रंथ प्रिंस और डिस्कोर्सेस में इसी विचार को अभिव्यक्ति प्रदान की है। नेक्स्ट पॉइंट है पुनर्जागरण। मैकियावेली का जन्म ज्ञान और बुद्धि के पुनरोदय के काल में हुआ था और उसकी रचनाओं में पुनर्जागरण का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। राजनीतिक क्षेत्र में सामंतवाद का अंत होकर राष्ट्रीय राज्य की स्थापना हो रही थी।
और राजनीतिक क्षेत्र में धर्म और नैतिकता, चर्च और बाइबिलवाद के प्रभाव को समाप्त किया जा रहा था। पोप की मध्यकालीन निरंकुश धार्मिक सत्ता तथा नैतिकता से लोगों का विश्वास उठ रहा था और उसका स्थान बुद्धि, विवेक तथा तार्किकता ने ग्रहण कर लिया था। इस काल में व्यापार और छापेखाने की कला तथा यातायात के साधनों के विकास ने नए जीवन, नई चेतना, नए दृष्टिकोण, स्वतंत्रता की नई भावना और जीवन के नए मूल्यों को जन्म दिया। सभी सीमाओं और प्रतिबंधों से मुक्त स्वच्छंद बौद्धिक भ्रमण इस युग की विशेषता थी। फ्लोरेंस इस नवीन संस्कृति का केंद्र था और मैकियावेली पूर्ण रूप से फ्लोरेंस निवासी। पुनर्जागरण की यह धारणा मैकियावेली में घर कर गई थी कि मानव अपने जीवन का स्वयं निर्माता है। यह विश्व विकासशील है और इसमें उन्हीं का अस्तित्व रहता है जो अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं। मैकियावेली ने राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने के लिए जो सुझाव दिए, उसमें पुनर्जागरण की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उसकी रचनाओं में राज्य के सिद्धांतों की नहीं, बल्कि शासन कला की व्याख्या मिलती है। इटली का राजनीतिक विघटन, सामाजिक और नैतिक पतन। मैकियावेली के युग का इटली राजनीतिक दृष्टि से पूर्ण भ्रष्ट और नैतिक दृष्टि से पतनकारी था। शासकों के निरंतर पारस्परिक संघर्षों और स्वार्थों ने गंभीर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को जन्म दिया था। संपूर्ण इटली 5 प्रमुख राज्यों में विभाजित था। दक्षिण में नेपल्स का राज्य, उत्तर पश्चिम में मिलान की जागीर, उत्तर पूर्व में वेनिस का गणतंत्र, मध्य इटली में फ्लोरेंस का गणराज्य तथा पोप का राज्य। ये सभी राज्य एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध एवं षड्यंत्र की नीति अपनाते थे। इस स्थिति में स्पेन एवं फ्रांस के शक्तिशाली राजतंत्र इटली की आंतरिक राजनीति में विभिन्न रूपों में हस्तक्षेप करते रहते थे और रोम का पोप अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए इन बाहरी सत्ताओं को प्रोत्साहित करता था। परंपरागत सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं का पतन हो चुका था और वे प्रभावहीन हो गई थी। इटली की इस दुर्दशा के कारण उसका आर्थिक विकास भी अवरुद्ध हो गया था। पुनर्जागरण की बौद्धिक चेतना तथा तत्कालीन पश्चिमी यूरोप में विभिन्न राजतंत्रों के अभ्युदय से प्रभावित मैकियावेली के हृदय में इटली के राजनीतिक एकीकरण एवं उसके एक महान राजनीतिक शक्ति के रूप में उत्थान की महत्वाकांक्षा थी। एक सच्चे देशभक्त की भांति वह इटली को सुदृढ़ और शक्तिशाली देखना चाहता था, क्योंकि वह स्वयं भी इटली के राजनीतिक विघटन, सामाजिक भ्रष्टता और नैतिक पतन का शिकार रह चुका था। अतः मैकियावेली ने अपनी रचनाओं में इटली में एक ऐसे शक्तिशाली एवं निरंकुश राजतंत्र की स्थापना पर जोर दिया जो इटली की राजनीतिक आवश्यकताओं एवं महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति कर सके। नैतिकता व धर्म से राजनीति का पृथक्करण। मैकियावेली का युग राजनीतिक अनैतिकता का युग था। उसने देखा कि तत्कालीन पश्चिमी यूरोप में शक्तिशाली राजतंत्रों का उदय राजनीतिक धूर्तता, षड्यंत्र, चालाकी आदि के साधन अपनाकर किया गया था और स्वयं इटली में भी राज्यों की आपसी राजनीति में अनैतिकता का बोलबाला था। मैकियावेली ने सभी वर्गों के व्यक्तियों को अनैतिक आचरण में लिप्त पाया और अपने इस अनुभव के आधार पर मैकियावेली ने नैतिकता व राजनीति के पृथक्करण पर बल दिया।
मैकियावेली ने यह भी अनुभव किया कि पोप तथा चर्च के अधिकारी भले ही नैतिक उपदेश देते हों, परंतु वे सभी प्रकार के अनैतिक आचरण में लिप्त थे। चर्च की स्वयं की ऐसी राजनीतिक आकांक्षाएं थीं जो इटली के एकीकरण में बाधक थी। इस स्थिति में मैकियावेली ने धर्म व राजनीति के पृथक्करण पर भी बल दिया। मैकियावेली ने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कोई भी साधन नैतिक, अनैतिक, वैध, अवैध को उचित माना। उसकी धारणा थी कि साध्य साधनों का औचित्य है। मैकियावेली ने राजनीति व नैतिकता को पृथक ही नहीं किया, बल्कि नैतिकता के दोहरे मानदंड, एक शासक के लिए और दूसरा सामान्य जनता के लिए प्रस्तुत किया। उसने नरेश को छल बल से राज्य तथा अपने शासन की रक्षा करने की खुलकर सलाह दी। धर्म और नैतिकता विरोधी मैकियावेली की यह विचारधारा अपने युग के नितांत अनुरूप थी, क्योंकि यूरोप के राष्ट्रीय राज्य फ्रांस, इंग्लैंड और स्पेन धर्म और नैतिकता से उदासीन होकर अपने स्वार्थों की सिद्धि कर रहे थे। इसलिए मैकियावेली भी इटली को पोप के प्रभाव तथा नैतिक बंधनों से मुक्त कर एक शक्तिशाली राज्य के रूप में देखना चाहता था। नेक्स्ट पॉइंट है मानव संबंधी विचार। मैकियावेली ने मानव संबंधी दो प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं। प्रथम, उसने मानव स्वभाव के निकृष्ट पक्ष का उल्लेख किया है, और दूसरे, उसने मानव को अपने भाग्य का निर्माता बताया है। प्रथम विचार का आधार तत्कालीन इटली की सामाजिक और राजनीतिक जो परिस्थितियाँ थीं उनको बताया है। मैकियावेली ने अपने समय में विशेष रूप से इटली में शासक वर्ग, धार्मिक वर्ग, अभिजात वर्ग तथा साधारण जनता सभी को भ्रष्ट आचरण में लिप्त पाया, और उसने ये विचार प्रकट किया कि न तो मनुष्य में ईश्वरीय गुण है और न ही वह नैतिक प्राणी है। परंतु मैकियावेली ने पुनर्जागरण के प्रभाव में मानव के प्रति बौद्धिक व तार्किक दृष्टिकोण भी अपनाया। उसने व्यक्ति को ईश्वर की सत्ता, चर्च की सत्ता, अविवेकपूर्ण परंपराओं से मुक्ति दिलाई। उसने मनुष्य के पारलौकिक जीवन के स्थान पर उसके इहलौकिक जीवन को महत्व दिया। ईश्वर के अध्ययन के स्थान पर मानव एवं उसकी समस्याओं के अध्ययन पर बल दिया, और इहलौकिक एवं भौतिक सुख के महत्व को ही स्वीकारा। नेक्स्ट पॉइंट है आगमनात्मक व ऐतिहासिक पद्धति को अपनाया। पुनर्जागरण के प्रभाव ने निगमनात्मक पद्धति की उपयोगिता को समाप्त कर दिया था, क्योंकि यह मूलतः एक दार्शनिक पद्धति थी तथा मध्य युग में चर्चवादी विद्वानों द्वारा अपनाई गई थी। ये पद्धति निरपेक्ष एवं पारलौकिक नैतिकता व सत्य में विश्वास करती थी। इसका आधार विश्वास था, तर्क नहीं। पुनर्जागरण के युग का संदेश था कि केवल वही नैतिकता एवं सत्य स्वीकार किए जाने चाहिए जिसका आधार मानवीय बुद्धि व तर्क हो। यह युग आगमनात्मक व ऐतिहासिक पद्धति के पक्ष में था, और मैकियावेली ने अपने युग के अनुसार इन्हीं पद्धतियों को अपनाया। आगमनात्मक पद्धति के अनुसार मैकियावेली ने अपने युग की राजनीतिक घटनाओं का सूक्ष्म अध्ययन किया और यथार्थवादी निष्कर्ष निकाले। इतिहास से उदाहरण ढूंढकर अपने निष्कर्षों की पुष्टि की।
हालांकि मैकियावेली ने ऐतिहासिक पद्धति का पूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग नहीं किया, परंतु उसका महत्व यह है कि उसने राजनीति के अध्ययन में इस प्रणाली का प्रयोग शुरू किया। इसके अतिरिक्त यदि हम अन्य विशेषताएं देखें जिनके कारण भी उसे अपने युग का शिशु माना जाता है, तो वह यह है कि मैकियावेली ने राजनीतिक निरंकुशतावाद का समर्थन किया। वह शक्ति की राजनीति को सर्वोत्तम मानता है। उसने शक्ति को साध्य व साधन दोनों ही रूपों में स्वीकारा। मैकियावेली ने राज्य की सर्वोच्चता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। उसने राज्य के साध्यों की प्राप्ति के लिए राजनीतिक अवसरवाद का समर्थन किया है। वह राजनीतिक कार्यों के औचित्य का आधार नैतिकता को नहीं, अपितु राजनीतिक परिणाम या सफलता को मानता है। मैकियावेली ने अपने युग के अनुसार यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए राजनीति का आधार बुद्धि, भौतिकतावाद तथा धर्मनिरपेक्षता को स्वीकारा है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि मैकियावेली ने अपने युग में घटने वाली व्यवहारिक राजनीति को अत्यंत निकट से देखा और उसका सूक्ष्म व यथार्थ अध्ययन किया और उसे यथार्थवादी ढंग से ही अपने अध्ययन में प्रस्तुत किया। डनिंग का यह कथन अक्षरशः सत्य है कि यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंसवासी वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु था। और इसी प्रकार WT जोन्स ने भी लिखा है, मैकियावेली अपने युग का निचोड़ था। इसी के साथ धन्यवाद।